बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मसालेदार बोटी बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये डेढ़ पाव हमने गोश्त लिया हुआ है, गोश्त की छोटी बोटियाँ की हुई हैं। इसमें शामिल करूँगी घर का बनाया हुआ मसाला, बिहारी मसाला, जो कि मेरे चैनल पर है। ये एक चम्मच भर के मैं इसमें शामिल करूँगी। अब इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन आधी चम्मच काली मिर्च, और आधी चम्मच हम डालेंगे इसमें हरी इलायची पीसी हुई, अब इसमें शामिल करेंगे हम लहसुन अदरक का एक चम्मच, यानी लहसुन अदरक का पेस्ट। और तेल शामिल कर देंगे हम। अब इसमें शामिल करेंगे हम आधा पाव दही, और इसको मैं मिक्स करके पूरी रात के लिए मैंने रख दिया था। सुबह को इसको फिर हमने दो ग्लास मैंने पानी डाल के इसको हल्की आंच पे पका लिया था। सो मिक्स करके मैंने फ्रीज़र कर लिया था पूरी रात, और फिर सुबह को इसको मैंने रख दिया था चूल्हे पर दो ग्लास पानी डाल के, ताकि ये बोटियाँ अच्छी तरह से गल जाएँ। और जब ये गल गई, फिर इसको मैंने कोयले का दम दे दिया, कोयला गरम करके इसका दम दे दिया मैंने। तो ये मिक्स हो चुका है। और फिर इसको दूसरे दिन मैंने बना लिया, तो ये बोटियाँ तैयार हो चुकी हैं। गार्निशिंग के लिए मैंने हरी मिर्च, धनिया और अदरक रखी हुई है, और ये बीच में कटोरी में मैंने कोयला गरम करके रखा हुआ है। थोड़ा सा बिल्कुल तेल डालना है इसकी इसी के ऊपर, और इसको फ़ौरन केप कर देना है, ताकि इसके जो धुआँ हैं वो अंदर ही रहे। और ये 5 मिनट के लिए मैंने सिर्फ रखा हुआ था। और ये तैयार हो चुका है।